हेलो गाइस, तो आज मैंने ये फ्लिपकार्ट से बोया का माइक लिया, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसका सेटअप और देखते हैं माइक का क्वालिटी क्या है। तो आइए गाइस, आते हैं मेरे रूम में और आके चेक करते हैं कि आखिर ये क्वालिटी इसका कैसा है, कैसा ये क्वालिटी वाइज देता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शट करते हैं। हेलो, ओके, बताओ। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी है जो है इसको चेक करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी। और नीचे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कल ही इसको अनबॉक्सिंग कर दिया था, बट उसके बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, देखते हैं इसका इसमें क्या क्या दे रखा है। और ये बोया का माइक बहुत ही फेमस माइक है आपके यूट्यूब बनाने के लिए। अगर यदि आप यूट्यूबर हैं तो सबसे सुपर क्वालिटी का आपको ये बोया का माइक पड़ेगा। तो गाइस, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो गाइस, इसके अंदर ये आपको मिलेगा जो कि DSLR के लिए यूज होता है, क्योंकि DSLR में भी मोटा वाला पिन होता है। तो गाइस, ये आप DSLR में लगा के इसको ये वाला जो पिन है ऐसे लगाकर आप DSLR में इसको यूज कर सकते हैं ऐसे सिंपली। और या साउंड में साउंड बॉक्स हो आपका, उसमें भी ये यूज कर सकते हैं। तो गाइस, और इसके बारे में जानते हैं, पूरा का पूरा क्वालिटी देखेंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे इसका कैसा क्या है। तो गाइस, कल मैंने इसको ओपन किया था, तो ऐसे आपको बैटरी सेटअप कर लेना है इसमें, क्योंकि मैंने कल ही कर लिया। तो आप इसमें ऐसे आप बैटरी सेटअप कर सकते हैं इसको। मैंने कल ही इसको यूज किया था, तो गाइस ये उस टाइम ये वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी सोचा कि अभी मैं ये वीडियो बना दूं। गाइस, ये बोया का माइक है। और आइए इसका देखते हैं ये बुक का। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चाइना प्रोडक्ट है, क्योंकि सारा का सारा जो इसका लैंग्वेज है चाइना और इंग्लिश, यानी कि इसका सिंपल सा ये हो गया कि ये चाइना का प्रोडक्ट है। तो आइए, तो मैं इसके बुक के माध्यम से आपको इसके यूज करने का पूरा सिस्टम बताऊंगा, कैसे इसको यूज करें, कैसे क्या करें। इसके ही माध्यम से मैं आपको पूरा बड़ा बता दूंगा कैसे यूज करना है, कैसे बैटरी सेटअप करना है और कैसे क्या करना है। तो चलिए चलते हैं। अब जो है, अब आप मेरा बोया का माइक का आवाज़ सुनेंगे, जैसा कि वो मैं सेटअप करके अब माइक से बोलूँगा, वहाँ पर आपको क्वालिटी माइक का क्वालिटी मिलेगा। गाइस, आप वीडियो बताइएगा कि जो साउंड क्वालिटी है अभी कैसे आ रहा है, उस और माइक लगाने के बाद जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा बढ़ा, अच्छा आया कि ख़राब आया, आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो चलिए चलते हैं इसके बुक पे और देखते हैं इसके सिस्टम के बारे में और सेटअप के बारे में। तो गाइस, चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये रहा बोया का माइक का बुक। तो चलिए, इसी के माध्यम से मैं आपको इसके पूरे सिस्टम के बारे में, पूरा सेटअप के बारे में मैं आपको बताऊँगा। अगर थोड़ा मोड़ा गलती वलती हो तो उसके लिए क्षमा, सॉरी। तो चले चलते हैं, इस बुक का फर्स्ट पृष्ठ ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो गाइस, इंग्लिश का तो अब छोड़ ही दो, ठीक है, और डायरेक्टली मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक नंबर पे दिखेगा वॉइस का, जो कि आप यहाँ पे इसका जो एक नंबर जो इसका ये है, जो एक नंबर पर दे रखा है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली ही यहाँ पे ऐसे इसको सेटअप करके इसको लगाते हो। चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड पे इसको दे रखा है यहाँ पे बैटरी सेटअप का। तो यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे इसका बैटरी सेटअप दे रखा है, तो इसको हम वहाँ ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको दो नंबर बैटरी सेटअप है, दो नंबर, तीन और चार नंबर, तीनों का इसको बैटरी सेटअप है। तो यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे इसको बैटरी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली आप ऐसे इसको राउंड राउंड करके इसको अपने सही जगह पर, सही स्थान पे ला सकते हैं। और जो गाइस, जो लास्ट इसका दे रखा है इसका पांच नंबर, तो पांच नंबर दिखा नहीं सकते, क्योंकि इसी माइक के द्वारा अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरे मोबाइल के पिन में लगा है, तो मतलब दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में लगा है गाइस। तो चलिए देखते हैं और इसका थर्ड पृष्ठ और फोर्थ पृष्ठ देखते हैं। गाइस, यहाँ पे इसका ये वाला सेटअप दे रखा है यहाँ पे,
ये देख सकते हैं यहाँ पे आकर इसको गाइस, ये वाला पिन को बहुत ही इजीली लगा सकते हैं आप। बस थोड़ा सा पहले डर होगा कि ये टूट जाएगा, लेकिन डोंट वरी, टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है। तो यहाँ पे इसको आप ज़ोर से दबा कर इसको इसे ऐसे पिन अप कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा डर लगेगा कि ये टूट सकता है, ऐसे टूटेगा ही नहीं, मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद यहाँ पर अपने कॉलर पर इसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आप माइक में बोल सकते हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं फोर्थ पिस्ट पे। यहाँ पे छोड़िए इसके इंग्लिश अकट अट बटे को कोई मतलब का नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये जो मैं दिखाया था आपको बैटरी वाला, वही यहाँ पे भी सिस्टम दे रखा है गाइस। यहाँ बुक का मतलब तो बस इसका मतलब ये बुक का मतलब यही है। तो गाइस बस मैं ये आपको कहना चाहूँगा, ये जो बोया का माइक है बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। तो गाइस आप भी इसे ऑर्डर करें और इसे मंगवाएं। अगर इसे ऑर्डर करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से इसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, मैं वहाँ पर इसका लिंक जो है आपको डाल दूँगा। तो गाइस आप इसको जाइए और ऑर्डर कीजिए, बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। और क्वालिटी भी गाइस बताइए, ये बोया का माइक बता दो आपको, इसका जो सेट है बोया माइक BY M1 है, जो इसका जो सेट है ये बोया BY MI M1 है। तो इसको जाए और इसको आज के बुक करें, तो सब पैसा लगेगा ज़्यादा, लेकिन डोंट वरी, अच्छा क्वालिटी है। बस आइए बाबू, वीडियो बंद करिए।